राशिद, आपका कथन स्टेटमेंट सही है और हाथ खोल करके ही होगा। उसके पीछे रीजन है, हाथ खोलने के पीछे तर्क है। गवर्नमेंट के पास आज पैसे की कमी नहीं है, टैक्स वगैरह हर सेक्टर से गवर्नमेंट ने बहुत पैसे जो है कलेक्ट किए हैं, तो ये गवर्नमेंट की संचित निधि है। सवाल ये है कि चुनावी गंगा अभी 2-3 महीने के बाद अवतरित होने वाली है और उसमें भाजपा जैसी माहिर जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के सिद्धांतों में विश्वास रखती है उसके राजनेता या वित्त मंत्री कोई भी डुबकी ना लगाए ये संभव नहीं हो सकता है। देखिए, अब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक जो बजट होता है गवर्नमेंट का बिना किसी मतलब राजनीतिक अगर उसके देखा जाए तो 3-4 सेक्टर को ये कवर करते हैं। ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात उसमें होती है, फंडिंग वगैरह सारी चीज़, रिसोर्स एलोकेशन होते हैं, पैसे किसको किस सेक्टर को कितना देना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की जाती है एग्रीकल्चर को, जो कि लगभग 16% का GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और 35% तक का लगभग रोजगार, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। तीसरा सबसे बड़ा स्टेक होता है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल की बात आपने की है, उसको मैं कॉमन पीपल बोल रहा हूँ। वोट इनको साधना है, बड़े घाव इन्होंने दिए हैं, जैसे नोटबंदी करके। देखिए, वो सही था, गलत था, क्या था, मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफें तो हुई हैं। फाइनेंस फ्लो एक बार बंद हुआ, इकोनॉमी को एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम पे आप डाल रहे हो, जो भी विजन रहा हो अच्छा हुआ सही हुआ, उसके कारण अब इनके पास क्या है, वोट को कन्वर्ट करने के लिए ये ऐसी चीजें देंगे, पैसे की इनके पास कमी नहीं है। पहला टारगेट ये होगा कि ये ऐसे प्रोविजंस करेंगे कि आदमी तुरंत साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं ना, आदमी को लगे कि यार ये 5 साल तक इतनी हमने तकलीफें झेली हैं, अब ये चीजें जो है कम हो गई। अब इसमें देखिए होगा क्या, टैक्स स्लैब, मिडिल क्लास अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, वो भी परेशान हुए हैं। 2.5 लाख पिछली बार भी 2.5 लाख था, इन्होंने छूट नहीं दी, मे बी पॉसिबल 3, 3.5 लाख या 5 लाख तक ये कर दे, इसकी चर्चा भी अभी हो रही थी। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है वो एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर क्यों, देखिए किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका बहुत सारी चीजों के लिए जैसे कॉस्टली होना, MSP वगैरह देना, उनका जो है खरीद का जो मूल्य होता है, इन चीजों पे भी फोकस होगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं सरकार कोशिश ये करेगी कि पूरे पब्लिक को सबसे पहले ये एहसास हो कि भाई महंगाई कम हो गई है। घर की जो गृहिणी है वो सरकार कोशिश ये करेगी कि इस 1 महीने में बजट पेश होने के बाद जब वो नेक्स्ट मंथ अपना पूरा बिल जाए किराना के दुकान पे, तो उसको लगे कि महीने में हम 20,000 खर्च करते थे, अब 15,000 पे आ गए हैं। ये वोट बैंक को साधने का तरीका है, टेम्पररी तरीका है। तो सरकार ऐसे चीजों को यहाँ पे देगी कि इमीडिएट जनता को ये रिलैक्सेशन हो, चाहे वो टैक्स का स्लैब वो बढ़ा दे, चाहे किसानों के लिए कुछ ऐसा ये ऋण वगैरह माफ कर दे या एक स्लैब बना दे, या उसके बाद पेट्रोल डीजल वगैरह महंगाई जिससे कम हो, इस चीज का एहसास हो। हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम ये घटा दे, ये कंट्रोल्ड चीजें होती हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। टैक्सेशन वगैरह में, GST वगैरह में एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो इनसे बहुत बड़ा नाराज था, वो था स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी छोटी मोटी किराना की दुकानें हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल प्रोविजन देंगी, चाहे वो GST में, टैक्सेशन में छूट करें या किसी और तरीके की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ इनको दे, अगर कहीं टैक्स लग रहा है कोई चीज कॉस्टली हो। ओवरऑल ये परसेप्शन ऐसा बनाएंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एलोकेट करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकता है या कुछ लॉन्च कर दे ताकि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो। ओवरऑल पूरे ग्लोबल सिचुएशन में देखा जाए तो भारत की छवि को भी निखारना है, टेक्नोलॉजी वगैरह को भी करना है, एग्रीकल्चर पे ये विशेष फोकस देंगे। एक तो एग्रीकल्चर वाकई में पिछड़ा हुआ है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, किसानों की नाराजगी इनको झेलना पड़ा है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फोकस करेंगे, पहले भी किया था लेकिन अभी भी ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ऐसे सारे सेक्टर्स को ये कवर करेंगे कि इनका जो मेजर वोट बैंक है, मिडिल क्लास, स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्रेन्योर्स, गृहणियां हो गई, उन सब चीजों को फौरी तौर पर रिलैक्सेशन, यानी बजट वो पढ़ रहे हैं और उसका जो है असर लोगों के दिमाग पे पड़ना शुरू हो जाए, ये चीज फोकस करके ये बजट बनाया जाए। आप तो इतना कुछ बता रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक नहीं आए, पता नहीं भगोड़े साबित हुए हैं या मेरे सवालों का सामना नहीं करना चाहते।